हर महादेव दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे कैसे माँ पार्वती ने दिया था एक राक्षस बच्चे को जन्म और क्यों भगवान शिव ने किया था उसका वध। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है। शिव पार्वती के पुत्रों के रूप में कार्तिक और गणेश का नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के अलावा उनका एक पुत्र और भी था, जो कि किसी देवता या भगवान के रूप में नहीं बल्कि राक्षस के रूप में माना जाता है। बामन पुराण के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिक और गणेश के अलावा अंधक नाम के पुत्र के जन्म की कहानी मिलती है। इस कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँच गए। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से उस पल में पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में पूर्ण रोशनी हो गई, लेकिन इसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देख के माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसको अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने के वजह से उसे अंधक का नाम दिया गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्यक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरेगा जब जौन लालसा में अपनी माँ की ओर देखेगा। अंधक ने ये सोचा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। जब उसे पता चला कि इन तीनों लोकों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिसने अपने पिता का भैव त्याग कर शिव से शादी कर ली है, वो तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो जबरदस्ती करने लगा, तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान से शिव वहाँ उपस्थित हुए और उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के पुत्र हो। ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी भगवान शिव के तीसरे पुत्र राक्षस अंधक की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन शांत और घर में सुख समृद्धि आती है।